हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिव्यास किचन। फ्रेंड्स, आज बनाते हैं एक बहुत ही बढ़िया सा स्नैक जो है पिज्जा मफिन। जी हाँ, पिज्जा और मफिन दोनों सबके फेवरेट हैं, तो आज इनके कॉम्बिनेशन से बनने जा रहे हैं सेवरी मफिन्स। आप ट्राई जरूर कीजिएगा, बहुत टेस्टी बनते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एगलेस पिज्जा मफिन्स। सबसे पहले ना हमने एक बोल में लिया है दही, ये फ्रेश दही है। दही ना तो ज्यादा खट्टा होना चाहिए और ना ही ज्यादा पतला। अब इसमें हम डालेंगे ऑयल, ऐसा ऑयल जिसमें कोई स्मेल ना हो। मैं नॉर्मल रिफाइंड ऑयल यूज कर रही हूँ। आप चाहें तो बटर भी यूज कर सकते हो, आप उसे मेल्ट करके डालिए। बस लीजिए, अच्छे से मिक्स करने के बाद तेल और दही का अच्छे से हो गया ना मिक्सचर रेडी। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा दूध। पूरी रेसिपी में मैं 2 से 3 बड़े चम्मच दूध यूज करूंगी, थोड़ा सा मैंने अभी डाला है। अब पिज्जा फ्लेवर को लाना है इस हमारे पिज्जा मफिन्स में, तो डालेंगे हम पिज्जा सॉस। ये मार्केट में इजीली अवेलेबल रहती है, छोटे बड़े हर पैक में होती है, आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली आप ला सकते हो। इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। कितनी अच्छी खुशबू आने लग गई है ना वो पिज्जा सॉस की वजह से। लीजिए, इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद अब इसमें हम आगे जो जरूरी इंग्रेडिएंट है वो डालेंगे मैदा, क्योंकि हमने एक मफिन शेप देनी है, उसके लिए मैदा चाहिए। अब पिज्जा बेस भी हम बनाते हैं, लाते हैं, अब घर में भी आप बनाते हैं तो उसमें हम मैदा ही यूज करते हैं। बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर जो हम मफिन बनाने के लिए, केक बनाने के लिए हम यूज करते हैं, अच्छे राइस देने के लिए, ये वो इंग्रेडिएंट है जो मैंने अभी यूज कर रहे हैं, बेकिंग सोडा और पाउडर का। अब थोड़ी सी मैं डालूंगी यहाँ पर काली मिर्च, आप अपने फ्लेवर के अकॉर्डिंगली डालिए। पिज्जा सीजनिंग जिसमें ओरिगैनो, चिली फ्लेक्स, बेजल, जो आपके पास अवेलेबल है आप वो डालिए। आप चिली फ्लेक्स भी जरूर यूज कीजिए अगर आप थोड़ा स्पाइसी पसंद करते हैं। गार्लिक पाउडर, अगर गार्लिक पाउडर नहीं है तो फ्रेश गार्लिक को आप थोड़ा सा क्रश करके डाल लीजिए। सॉल्ट, सॉल्ट आप देख के डालिएगा क्योंकि पिज्जा सॉस में भी सॉल्ट होता है और आगे हम चीज यूज करेंगे वो भी सॉल्ट ही होता है। इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। बैटर इस तरह का थिक ही होना चाहिए। देखिए, मफिन बनाते हैं ना, मफिन का बैटर थोड़ा डिफरेंट होता है, लेकिन इसका बैटर ऐसा ही होगा। अब पिज्जा चीज, ये आराम से मार्केट में ऐसे क्रश करा हुआ ही मिलता है, हम वो डालेंगे। मैंने थोड़ा सा रख लिया है, ऊपर गार्निशिंग के टाइम डालेंगे, ये डाल लेते हैं। अब अपनी फेवरेट वेजेस डालिए आप, क्वांटिटी आप जितनी पसंद करते हैं। मैंने यहाँ पर डाला है ऑलिव, अनियंस, आपको जो पसंद है आप वो डाल सकते हैं। कैप्सिकम डालिए, बेबी कॉर्न्स डालिए, मैंने पनीर डाला है थोड़ा सा, बच्चों को बहुत अच्छा लगता है। ये कॉर्न्स हैं जो स्वीट कॉर्न्स होते हैं, ये वो हैं। जो कोई वेजिटेबल, मशरूम आप पसंद करते हैं बच्चे, आप मशरूम डाल सकते हो। इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। अब वो थोड़ा सा दूध बच गया था ना, मैंने वो भी डाल दिया है। देखिए, इसका बैटर का आपको ध्यान रखना है, बैटर इतना ही थिक होना चाहिए, रनी फ्लोई नहीं होना चाहिए, इस तरह का गाढ़ा बैटर चाहिए हमें, ठीक है जी। अब ये है मफिन ट्रे जिसमें मैंने लाइनर्स रख लिए हैं, इसे कोई ग्रीसिंग की जरूरत नहीं होती। अगर आप मोल्ड यूज कर रहे हो तो आप उसे ग्रीस कर लीजिए। अब इसमें हम सब में इक्वल पार्ट्स में हम अपना ये जो बैटर तैयार करा है हमने वो डाल लेंगे। इस पूरी रेसिपी में ना आपके 12 के आसपास आपके मफिन्स तैयार होंगे मीडियम साइज के। अभी मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा मैंने पिज्जा चीज स्प्रिंकल करा है और गार्निशिंग के लिए मैंने ऊपर ऑलिव्स लगाए हैं। आप उसके ऊपर थोड़ा सा और बहुत अच्छी कलरफुल वेजेस लगा सकते हो। मैंने थोड़ा सा पनीर रखा है, आप इसमें बेल पेपर्स अलग अलग यूज कर लो। लीजिए, देखिए ये बन गए जी, कितने सुंदर लग रहा है ना, बनने के और बाद खाने में भी उतने ही मजेदार है। अब इसे 20 मिनट के लिए 180 डिग्री टेम्परेचर पर बेक होने के बाद लीजिए तैयार हो गए हमारे बढ़िया से पिज्जा मफिन। आई नो आपको बहुत अच्छे भी लग रहे होंगे कि देखने में तो बहुत अच्छे हैं, खाने में पता नहीं कैसे होंगे। एक बार मेरे कहने पर ट्राई ज़रूर कीजिएगा। ये दिखने में जितने अच्छे हैं ना, खाने में उतने ही मज़ेदार हैं, क्योंकि इसमें पिज़्ज़ा फ्लेवर है और मफिन की शेप है ना, 2-in-1 कॉम्बिनेशन, तो बढ़िया कैसे नहीं होगा। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब ये पिज़्ज़ा मफिन्स टिफ़िन के लिए बेस्ट ऑप्शन है, पार्टीज़ के लिए बेस्ट ऑप्शन है। आप आराम से इसे स्टोर करके रख सकते हैं फ्रिज में, और जब भी खाना है हल्का सा वार्म कीजिए और इन्जॉय कीजिए ये पिज़्ज़ा मफिन्स। तो बने रहिए दिव्यास किचन में, और थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिव्यास किचन।